18 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की आज एक बार फिर जोधपुर कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट पहुंचकर सलमान खान ने अपना बयान दर्ज करवाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सलमान से 57 सवाल पूछे, जिसके जवाब में सलमान ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि मुझे झूठा फंसाया गया है। घटना के वक्त मैं होटल में मौजूद था और वन विभाग ने पब्लिसिटी पाने के लिए मुझे झूठे आरोप में फंसाया है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान के साथ ही सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी अपना बयान दर्ज करवाने कोर्ट पहुंचे। अपना बयान दर्ज कराने के बाद सलमान तुरंत कोर्ट से चले गए। दरअसल साल 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के निकट कांकाड़ी गांव में सलमान ने दो काले हिरण का शिकार किया था। शिकार के समय जीप में सैफ, सोनाली, तब्बू और नीलम भी सवार थे। हालांकि सलमान इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, मगर काफी स्टार्स पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है। सलमान समेत सभी स्टार्स से इस मामले में 28 गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार सवालों के जवाब पूछे गए। कोर्ट में सलमान से कुल 57 सवाल पूछे गए थे। सलमान ने सभी सवालों के जवाब में इस मामले में खुद को बेकसूर बताया। सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, सलमान ने सभी सवालों का पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। करीब आधे घंटे तक चले सवाल जवाब के सिलसिले के बाद सलमान कोर्ट से बाहर निकल गए। इसके बाद बाकी 4 से सवाल पूछे गए। तो आज जोधपुर में फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा रहा। जोधपुर कोर्ट के बाहर सलमान के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचे और इस बीच कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। देखते रहिए डीबी लाइव।